तो रुस जावा मैं मना ले कर, समझ जाया कर, समझा दे कर। मैं इनके पीछे पीछे भाग रहा हूँ बर्फ में भी कि भी मना लिया करो अगर कि हमारा सब काम बाटर हम इन्फ्लुएंसर पेड और बाटर वी डोंट पे। बहुत अच्छा रिस्पांस है, वी लविंग सीइंग द कमेंट्स ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत रेगुलर बात कर रहे हैं हम बेसिकली कि रूठो तो मना लो। एंड यूजुअली लड़के मना रहे होते हैं लड़कियों को। इस बार मैं चाहता था कि हमें भी कोई मनाने हमने क्या बिगाड़ा है। दिस सॉन्ग इज फॉर गाइस। कभी आपको किसी ने मनाया, कोई लव वंस ने, या फिर आपने कभी किसी को लव वंस को? हम तो मनाते ही हमेशा ही, बट हम अब मेरे को भी मनाते हैं लोग, सो दैट्स द रीजन आई थॉट कि ये टू एंड फ्रो एक होना ही चाहिए डेफिनेटली। और लिरिक्स भी इस तरीके से लिखवाए गए थे कि इट नीड्स टू बी वेरी मैटर ऑफ फैक्ट कि जो हर दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होता है और कपल्स में ज़्यादातर ये होता ही है, यंग कपल्स में तो होता ही है कि रूठते हैं मनाते हैं, रूठते हैं मनाते हैं, तो दैट्स हाउ इट इज़। धनुष, आपसे जानना चाहोगे ये रूठने मनाने में आप किसी को मनाते हैं या फिर कोई आपको मनाया आज तक? मुझे ही मनाते हैं। आई थिंक लड़कियों को वो ना ऐसा होता ही है कि लड़के ही मना देते हैं लड़कियों को, और लड़कियां रूठे ना, थोड़े से नखरे ना हो, थोड़ा सा प्यार नोकझोंक ना हो, तो वो क्या मज़ा है ना, कुछ ना कुछ ऐसा होते रहना चाहिए। और जो हमारा ये सॉन्ग है मना लिया कर, तो ये उसी चीज़ को डेडिकेट करते हुए है। तो अभी अगर आपके कोई लव्ड वंस जो है वो रूठ जाए आपसे, तो आप ये गाना फटक से लगा दो और वो मान जाएंगे। कितना लाइक अमेजिंग टाइम पे आप लोगों ने रिलीज किया है, वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, क्या लगता है वैलेंटाइन डे के लिए कितना परफेक्ट गाना है ये? बहुत परफेक्ट है क्योंकि इट्स अ डे सेलिब्रेटिंग लव एंड लव्ड वंस के बीच में ही नोकझोंक होती है यूजुअली। Yes. तो उस हिसाब से ही, और एक रोमांटिक सिचुएशन में है, मैं इनके पीछे पीछे भाग रहा हूँ बर्फ में भी कि भी मना लिया करो अगर अगर ऐसा सिचुएशन, और सिचुएशंस प्रेजेंट की हैं अंतरों के अंदर। सो इट्स वेरी, इट वाज अ फन शूट, वी हैड अ लवली टाइम एंड पंजाबी लोकेशन कश्मीर वाज अमेजिंग। पंजाबी बहुत मीठी लैंग्वेज है, तो जब मैं रूठ जाऊँ तो मना लिया करो की जगह जदो रुठ जावा मैं मना लिया कर एक रिदम आ जाती है गा के। अगर वही चीज हिंदी में करेंगे तो वो इतनी सुंदर और इतनी प्यारी शायद ना साउंड करे। कश्मीर की बात ही अलग हुई है जी। गाना चालू ना हो उससे पहले रोमांटिक ऑलरेडी रोमांस हो जाता है। एंड आप, मैं देख रहा था जब डल लेक की आप फर्स्ट सीन ही डल लेक का था जी। अगर आपको उसकी पीछे कोई गाना स्टोरी आप बताना चाहो कुछ, क्योंकि वो काफी रोमांटिक प्लेस है कश्मीर की, सबसे रोमांटिक जगह। आप डल लेक जाते हो, आप उन वादियों से, उस पानी से ऐसे प्यार हो जाता है, दैट्स अ फीलिंग यू नो। और ये जो सॉन्ग पिक्चराइज किया है वहाँ पे, आई थिंक दिस वाज द बेस्ट डिसीजन। जो गुलमर्ग फुल ऑफ स्नो एवरीवेयर यू सी, इट्स अ पिक्चरस्क्यू लोकेशन। और आई थिंक जो बोट वाला सीक्वेंस है वो एक ऐसा एक ब्रिज सा है, उसके नीचे से हम लोग जाते हैं एंड ड्रोन से पूरा शूट हो रहा है। मैं तो ऐसे खो गई थी वहाँ पे कि ओ माय गॉड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल, इट वाज सीरीन। वी हैव सो मेनी बीटीएस ऑफ दैट है ना, हम लोग फन मोमेंट्स। बहुत ऐसी बात जो अगर बताना चाहो, मैंने इनको गढ़वाली गाना सिखाया है। वहाँ के लोगों से जब बातचीत करे एक अलग ही टोन रहता है। Correct. उनसे वो रोमांटिक किस्से सुनाते रहते हैं उस जगह। कोई आपसे, कोई ऐसे इंसान से मुलाकात हुई? बहुत, इनफैक्ट सारे ऐसे हैं वहाँ, दे आर, वो टेम्पलेट बना हुआ है वहाँ पर, बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली। यस, सो दे नो हाउ टू कीप द टूरिस्ट हैप्पी, दे नो हाउ व्हाट टू से, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। और वो शॉपकीपर्स होते हैं अपने डल लेक पे ही, वही उन्हीं बोट्स के अंदर वो शॉपकीपर्स भी हैं, शिकारा बोलते हैं इसमें, शिकारों के अंदर। और वो वहाँ ज्वेलरी भी बेच रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। डोनाल्ड को हम साथ में थे, लेक से हम लोग क्रॉस कर रहे थे हाउस बोट टू द एरिया, तो उसको बोला कि आप आ जाओ देख के जाओ, हमें भी कुछ गुड लक दे के जाओ और हमसे ले के जाओ। कहती है हमारा सब काम बाटर का, हम इन्फ्लुएंसर पेड और बाटर वी डोंट पे। हम नहीं देते हैं, आप हमें पैसा देंगे तो मैं आपको स्टोरीज पे डालूंगी अपने। उसको बोल रही जाके
I'm very seriously I'm talking about it. वो वीडियो पे. It's damn funny. We were just reviewing all the videos also, and he has recorded that. That was fun actually. And इसके अलावा आप लोगों की chemistry काफी अच्छी लगी. पर पहली मुलाकात किस तरह से थी? इस song के पहले कभी मुलाकात हुई या फिर basically ये song में मुलाकात आप लोगों की? Airport पे हुई directly मुलाकात और flight में हम लोग साथ में बैठे थे. In fact मैंने बोल के रखा था कि हमें साथ में बिठाइएगा ताकि हम लोग एटलीस्ट वी गेट अक्वेंटेड विद ईच अदर. बातचीत हुई, कुछ एक वाइब होती है, यू नो यू नीड टू बी, आपको अगले दो दिन किसी के साथ स्पेंड करने हैं जिनके साथ आपको ऑन स्क्रीन रोमांस करना है, तो एक कंफर्ट लेवल बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में. yes. नहीं तो वो ऑन स्क्रीन दिखेगा. yes. और वो आप उसको चीट नहीं कर सकते हैं. तो इट वॉज वेरी वेरी नाइस, इट वॉज ग्रेट, वेरी ईजी, हैप्पी गो लकी डोनाल्ड. हम एंड से मैंने सारी खुरीद खुरीद की इनसे सारी उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी चीजें, इनकी फैमिली, सनशाइन, मूनशाइन, दुनिया भर की चीजें मैंने इनसे पूरा पूरा निकलवा लिया. और अच्छा ऐसा सब ठीक है, ठीक है, अच्छा ये ऐसी है, इसका ये सनशाइन है ना, मुझे अच्छा ऐसे बात करनी है ना. ये सारी बातें फ्लाइट में, फ्लाइट फ्लाइट. अरे वी वर जस्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग, आई थिंक इट वाज सच अ फ्लो. एंड इनको काफी कुछ पता है, इतना सारा नॉलेज है इंडस्ट्री का, इतनी सारी बातें. सो वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ यू नो टॉक्स, मीनिंगफुल टॉक्स अबाउट लाइफ, अबाउट इंडस्ट्री, अबाउट पीपल, अबाउट सनशाइन, मूनशाइन, एवरीथिंग, अबाउट सॉन्ग्स. डॉल पिछले साल बिग बॉस के घर पे भी थे, तभी आपने देखा रहेगा उनकी जर्नी, काफी अमेजिंग, काफी शानदार जर्नी थी उनकी. थैंक यू. आपने कुछ उस घर के रिलेटेड कुछ बातचीत उनकी हुई आपकी? मुझे आइडिया भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज़ मैं ज्यादा टीवी देखता ही नहीं हूँ. yes. तो आई डिडंट नो एट ऑल. मुझे तो बाद में पता चला, मेरे को माय वाइफ watches it a lot. yes. तो उन्होंने मुझे बताया. Did she told you before the song? No. After I came back, I showed her the photographs. Like, oh, okay, she was there in the Big Boss. I was like, चलो करें. Big Boss का finale जल्द आने वाला है, last next week में. किस किसको support कर रहे हो? क्या लगता है? कौन जीतने वाला है? Whoever is doing good, I support everyone. आप follow कर पा रहे? मैं नहीं कर पा रही हूँ. कितने बार पूछोगे everyone? आप follow ये आपकी आपने कहा वाइफ वो ही देखते हैं तो हमारे तो उनसे कोई बातचीत हुई कौन इस बार? नथिंग लाइक दैट. नथिंग नथिंग. ओके तो जाते जाते दो लाइनें. हाँ हाँ श्योर. हाँ पास करो. थैंक यू. जदुर सुजावा मैं मना ले अकर समझ जाया कर समझा दे अकर छोटे मोटे पंगे दिल ते न लई दे प्यार नालो नानू सुलझा ले अगर तेरे मेरे प्यार दी ये गल बड़ी प्यारी तेरे मेरे प्यार दी ये गल बड़ी प्यारी ना मैं कदे जित्या ना तू कदे हारी ना मैं कदे जित्या ना तू हारी ना मैं कदे जित्या ना तू हारी जदुर सुजावा मैं मना लिया कर समझ जाया कर समझा दे आकर.